दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भारत जंगीड और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों आज हमारे पास है जो इंस्टेंट गीजर होता है 3 लीटर का, उसको आज हम कंप्लीट चेक करेंगे, रिपेयर करेंगे, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, किस टाइप से आपको इसे चेक करना है, कहाँ कहाँ से इसे खोलना है, किस टाइप से इसे फिट करना है, पूरी नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो देखेंगे इसका, ये देखिए जो मॉडल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले सीरीज़ के अंदर इसको हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड हमारा और ये सप्लाई इसके अंदर आ रही है और यहाँ पर हमें चेक करना है, ध्यान से देखिए अर्थिंग वाला जो पॉइंट होता है 3 पिन टॉप से, यहाँ पर कंटिन्यूटी इसकी आनी चाहिए जो कि बिल्कुल सही है। और ये देखिए दोस्तों ये रॉन्ग है, यहाँ पर जो ये नीचे वाले जो दोनों न्यूट्रल फेस वाले पॉइंट है, इससे कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन प्लेट पर थोड़ा देख लीजिए, ये कंप्लीट इस पर लिखा हुआ है, मॉडल इसका आयरिज और 3 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है, खोलने के लिए नीचे एक स्क्रू दिया हुआ था उसको खोल दिया है, उसके बाद में कोई स्क्रू इसके अंदर नहीं है, लॉक दिए हुए हैं, कवर पूरा अलग हो जाएगा काफ़ी आसानी से। इसके बाद में ये देखिए पूरा जो टैंक है इसको नीचे वाले कवर से भी हम इसको अलग कर पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए हाई कट इसमें लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि ओवर हीट टेम्परेचर का कट करता है यहाँ से, और इसको हम रीसेट करके वापस से चालू कर लेते हैं। इसका जो वायर था हमने जो ऑटो कट लगा हुआ है उसके अंदर से खोल दिया है। 11 नंबर स्पैनर का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो हाई कट लगा हुआ है इसको निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हाई कट थर्मोस्टेट जो कि काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन इस गीजर के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कट हो जाता है। इसके बाद में सभी जो बोल्ट लगे हुए हैं टैंक को अलग करेंगे, एलिमेंट और ये जो असेंबली है इसको अलग करने के लिए सभी बोल्टों को यहाँ पर हमने खोल दिया है। उसके बाद में जो एलिमेंट लगा हुआ है उसके ऊपर जो कनेक्शन लगे हुए हैं इंडिकेटर और सप्लाई के, उनको यहाँ पर हम खोल लेंगे। तो ये देखिए दोनों जो टर्मिनल है हमारे एलिमेंट के, उसके दोनों कनेक्शन हमें खोलने होंगे। ये देखिए न्यूट्रल वायर, ये इंडिकेटर के वायर हैं, और ये देखिए पूरे कनेक्शन हमारे अलग हो चुके हैं। इसके बाद में ये देखिए कंप्लीट जो वायरिंग है थर्मोस्टेट सहित, यहाँ से थर्मोस्टेट को बाहर निकाल लेंगे और पूरी वायरिंग को रख देंगे हम साइड में। इसके बाद में ये देखिए टैंक से हमने असेंबली को कंप्लीट अलग कर लिया है। दोस्तों फ्लोराइड बहुत ही कम निकला है इसके अंदर, लगभग हो सकता है 1 या 2 साल ही चला होगा ये गीजर, ज़्यादा पुराना नहीं है। पानी को यहाँ पर हम इस डब्बे के अंदर निकाल लेंगे क्योंकि वॉशिंग करने में इसी पानी का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि पानी बचाना काफ़ी ज़रूरी होता है वो आप सब जानते हैं। ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफ़ी आसानी से साफ़ हो जाएगा, SS का टैंक है और ज़्यादा फ्लोराइड इसके अंदर है भी नहीं। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो बोल्टिंग है इनको थोड़ा साइड में कर देंगे। अब चेक करते हैं हमारा एलिमेंट जो कि अर्थिंग प्रॉब्लम था, ये देखिए यहाँ से कुछ डैमेज लग रहा है, हो सकता है लीकेज हो, बाकी यहाँ से इसमें कोई डैमेज नहीं है, यहाँ पर ये ठीक है। दोस्तों फ्लोराइड भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये किस टाइप से अर्थ हुआ है, किस टाइप से शॉर्ट हुआ है, इसको भी हम चेक करेंगे। ये देखिए कुछ यहाँ से ऐसा लग रहा है लीकेज हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर जंग आया है और उसी की वजह से यहाँ से अर्थ हो चुका है। ये देखिए एक बोल्ट खोलने के बाद में 8 नंबर का यूज़ होता है इसमें, 8 नंबर एलन की जो हमारी टी होती है, साफ़ कर लेंगे असेंबली को यहाँ पर कपड़े से पोंछ कर, इसको रखते हैं साइड में। अब देखते हैं दोस्तों ये देखिए थोड़ा फिजिकली यहाँ पर नज़र मारेंगे, ये देखिए मैन्युफैक्चर भी इसका काफ़ी वैसे पुराना है, 11 महीने और 2019 का है ये एलिमेंट, लगभग 3 साल पुराना हो चुका है। दोस्तों फुल अर्थ है यहाँ पर, दोस्तों देख पा रहे हैं जो बॉडी अर्थ इसी की वजह से इसके अंदर आ रहा है, बाकी ये वर्क भी कर रहा है तो इस कंडीशन में हमें इसको रिप्लेस ही करना होगा क्योंकि इसका कोई भी उपाय नहीं होता है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों डेल स्टार कंपनी का जो कि एलिमेंट हमने परचेज किया है मार्केट से, ये देखिए डेल स्टार कप माइजेट मार्क 2
और 3000 वाट की ये रोड होती है। 2022 नवंबर इसका मैन्युफैक्चर है। और रेट की बात करें तो दोस्तों लगभग 550 रुपये में आपको ये रोड मिल जाती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, इसके अंदर डेल स्टार का यहाँ पर वारंटी कार्ड मिल जाता है और पूरा जो मैन्युफैक्चर का जो प्लांट वगैरह है सब कुछ इसमें, कस्टमर केयर नंबर वगैरह भी है और ये सी सेक्टर 25 ये यहाँ पर दिया हुआ है। और कस्टमर केयर अवेलेबल मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल 10 to 5 PM, 10 to 5 PM ये दिया हुआ है। और डेल स्टार में देखिए सभी प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं आपके, जो कि सभी प्रकार के गीजरों में यूज़ होते हैं, सभी प्रकार के गीजर के एलिमेंट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का जो एलिमेंट आप इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल ISI मार्क का है। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए 11/22 इसके अंदर भी हमें यहाँ पर जो इसकी मैन्युफैक्चर डेट वगैरह है कंप्लीट यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले इसको फाइनल यहाँ पर चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लगाने के बाद में खोलना काफ़ी गलत होता है। तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है, बिल्कुल ओके बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 8 नंबर की जो हमारी टी होती है उसका यहाँ पर हमें यूज करना है, जो कि काफ़ी आसानी से इसके अंदर लग जाती है। इसकी जो कटोरी है इसको निकाल देंगे और असेंबली के अंदर इसको यहाँ पर इस टाइप से अंदर से आपको लगाना है। रबड़ की जो रिंग है इसकी, उसके नीचे बिल्कुल भी कचरा नहीं रहना चाहिए आपका, फ्लोराइड का या कोई भी, अच्छे से साफ़ करके ही आपको इसको लगाना है, वरना ये लीकेज करेगा। अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसको पूरा टाइट कर लेंगे और टैंक के अंदर यहाँ पर दोस्तों ये देखिए असेंबली को सेट करके सभी वाशर और स्प्रिंग वाशर लगाकर और सभी बोल्टिंग इसकी बिल्कुल 1 by 1 पूरा टाइट कर लेंगे। कभी भी एक बोल्ट को पूरा टाइट नहीं करना है, सभी को बराबर से टाइट करना है, ताकि लीकेज बिल्कुल नहीं रहेगा और फिटिंग आपकी जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए सबसे पहले जो इसका ऑटो कट है ब्लैक वाला उसको डाल देंगे और इसके बाद में यहाँ पर जो हाई कट है इसको यहाँ पर लगाकर सेट कर देंगे, जो कि हमने ये अर्थिंग का जो वायर है मेन लीड का उसको भी यहाँ पर लगा दिया है और लीड का जो स्टॉपर लगा हुआ है इसको भी यहाँ पर ही लगा देंगे हम। और इसके जो बोल्ट हैं ऊपर से इनको भी यहाँ पर हम टाइट कर देंगे, चाबी से भी थोड़ा टाइट कर लेंगे इनको ताकि लूज नहीं हो। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए एक वायर हमारा जो हाई कट के अंदर से घूमकर जा रहा है, जो कि हमारा जो ऑटो कट लगा हुआ है ब्लैक वाला उसमें से यहाँ पर आ रहा है, तो इसको लेंगे। और एक वायर हमारा जो इंडिकेटर का है रेड वाले का उसको लगाएंगे यहाँ पर। और ये देखिए उसके बाद में दोस्तों ये दो वायर एक साथ जुड़े हुए हैं इंडिकेटर के, और ये मेन लीड का हमारा न्यूट्रल वाला वायर है। तो ये देखिए कनेक्शन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप खोलते हैं उसी टाइप से इसको कर सकते हैं। तो दोनों इंडिकेटर हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार हम इसको थोड़ा चेक कर लेंगे फाइनल फिटिंग से पहले। तो सीरीज का बोर्ड के अंदर हम लगा दिया है और ये देखिए कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके आ रही है। अर्थिंग पॉइंट से भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अर्थिंग बिल्कुल नहीं आ रहा है, देखिए अर्थिंग पॉइंट से न्यूट्रल फेज के जो पॉइंट है उस पर नहीं आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं इसकी जो अर्थिंग कनेक्ट है और इसकी जो कंटिन्यूटी अर्थिंग से बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके हो चुका है। चलिए एक बार सप्लाई देकर इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे, सीरीज के अंदर है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा हमारा बोर्ड। ये देखिए ग्रीन और रेड दोनों इंडिकेटर हमारे ग्लो कर रहे हैं, गीजर हमारा बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही ऑटो कट होता है तो हमारा जो रेड वाला जो इंडिकेटर है वो ऑफ हो जाता है। इसके बाद में पूरे असेंबली को टैंक सहित यहाँ पर सेट कर देंगे, इंडिकेटर को यहाँ पर लगा देना है अंदर की तरफ, दोनों इंडिकेटर यहाँ पर लग जाएंगे जो कि यहाँ पर होल दिए हुए हैं उसमें सेट हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर लॉक दिए हुए हैं, 3 लॉक है, एक हेड की तरफ और 2 लेफ्ट राइट में इसमें, और स्क्रू मात्र एक ही दिया हुआ है, उसको यहाँ पर हम कस देंगे। तो इसके बाद में दोस्तों ये देखिए फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं इसका, सीरीज के अंदर है, जैसे ही सप्लाई चालू किया देखिए दोनों इंडिकेटर हमारे मेंस और हीटिंग दोनों कंप्लीट जल रहे हैं। जैसे ही हीटिंग हमारा कंप्लीट होगा ग्रीन इंडिकेटर इसका बंद हो जाएगा। तो दोस्तों गीजर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इसका जो पुराना एलिमेंट था
हल्का सा लूज़ था जिसकी वजह से लीक कर गया, लीक होने की वजह से ये शॉर्ट हो गया था। तो दोस्तों, दी गई जानकारी और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप के नॉलेजफुल कंटेंट और वीडियो मैं आपके लिए लेकर यहाँ पर आता रहता हूँ। और किसी जानकारी के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।